नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था। आज भी इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि बहुत बहुत बड़ी एक खबर आ चुकी है। क्योंकि कंपनी जो है वो पावर सेक्टर से पावर सेक्टर से है और पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो इंडिया के देखिए इसका दो ही कंपनी टॉप लीडिंग में है। और कंपनी को किसका है आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप का। तो गौतम अदानी जी का ही ग्रुप मतलब ग्रुप का ही कंपनी है। दोनों कंपनी इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है। मैं पिछले दिनों में भी अदानी ग्रुप के अदानी ट्रांसमिशन तो अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर वीडियो आपको बना के दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियो मतलब पिछले दिनों का वीडियो आप देखिए। तो आज मैं अदानी ग्रीन के बारे में बात करूंगा, वो भी एक पावर सेक्टर में एंटर बहुत दिनों से हो चुके हैं और पावर सेक्टर को अभी वो बहुत तेजी से ग्रोथ करा रहे हैं। और जितने सारे इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश करके रखे थे 2020 से पहले, तो उसको तो बहुत बड़ा रिटर्न दे चुके हैं। क्योंकि अदानी ग्रुप के हर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली तेजी से भाग रहा है, कंटिन्यूअसली। अभी भी आप देखेंगे तो डेली बेसिस देखा जाए तो कंपनी नया हाई बना रहा है। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छे रह सकते हैं और क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो मैं सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं और एक बहुत बड़ा अपडेट्स है जिसके कारण इस कंपनी में और भी तेजी आ सकते हैं। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी और डिटेल्स भी यहाँ पे ले आने के लिए मजबूर करेगा। साथ ही साथ आप किस किस स्टॉक के ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, और एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा आपको कि आप टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन करके देखना, क्योंकि आप इंटरडे ट्रेडर है, बहुत सारे इंटरडे ट्रेडर है मैं जानता हूँ, तो आप ट्रेड करते हैं तो एक बार टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फ्यूचर्स के भी कॉल मिलेंगे। आपको कोई भी अच्छा लगे तो उस पर आप काम कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्जेस आपको आपसे नहीं लिया जाएगा, तो जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो आज मैं बात करूंगा किसके ऊपर, आप सभी जानते हैं अदानी ग्रीन के ऊपर। तो अदानी ग्रीन भी पिछले दिनों में भी एक शानदार परफॉर्मेंस किया था। आप देखेंगे तो कंपनी ने देखिए जब न्यूज आया, यहाँ पे मार्केट जो ओपन हुआ था तब एक फ्लैट मूवमेंट में था, जब न्यूज आया अचानक यहाँ पे कंपनी का जम देखने को मिला। तो यहाँ पे अचानक जो जम है इसके पीछे कारण कौन सा है आप देखेंगे तो कारण एक बहुत बड़ा कारण है। चलो मैं आपको पहले कारण ही दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली अदानी ग्रीन का जो प्रोजेक्ट है, आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा अदानी ग्रीन का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली ग्रीन प्रोजेक्ट है। अदानी ट्रांसमिशन क्या करते हैं, अदानी ट्रांसमिशन पावर को ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो अदानी ग्रीन का काम है वो पावर जेनरेट करना और वो भी ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसके साथ कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी फ्यूचर में काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो मैं पहले बता, जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर आपको जो दिखाया जा रहा है, तो कंपनी का वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको देखने को मिलेगा। सेकंड देखिए विंड प्रोजेक्ट जो इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस आज का जो न्यूज है वो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही है। कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कितना तेजी से ग्रोथ करने के लिए वो सिर्फ इंडिया में नहीं अभी बाहर के कंट्री को भी टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। टोटल यहाँ पे देखिए 20,434 मेगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी मतलब पोर्टफोलियो में बना चुके हैं, मतलब इतने बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से ट्रांसमिशन किया जाता है और उसके बाद घरों तक और मतलब जित इंडस्ट्रीज के तक कंपनी पहुंचाते हैं। तो कंपनी टोटल 91 लोकेशन में इस तरीके से प्रोजेक्ट कर चुके हैं जहाँ पे टोटली 12 स्टेट में है। तो इतने दिन कंपनी क्या कर रहे थे, कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहा था। तो अभी इंडिया में बिजनेस छोड़कर कंपनी कहाँ पे जाने वाला है, बाहर की कंट्रीज में। कौन सा कंट्रीज में जा रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5,711 मिलियन यूनिट्स कंपनी जेनरेट कर चुके हैं और साथ ही साथ देखिए 5.2 मिलियन टन इक्विपमेंट कंपनी CO2 सेव कर चुके हैं। मतलब इस सबसे खासियत है इस तरीके से कंपनी के ऊपर, कंपनी का ऊपर गवर्नमेंट हमेशा इसके ऊपर पुश अप करेंगे। क्योंकि पुश क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए
वर्ल्ड मार्केट में भी मतलब एक एक मतलब वर्ल्ड का जो मतलब जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो हमेशा हर देश को यही बता रहा है कि जो कार्बन इमोशन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट ले आने के लिए। तो ग्रीन प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप पहले से ही एंटर हो चुके हैं, उसको पहले से ही पता है। देखिए अदानी ग्रुप की खासियत मुझे जो चीज़ अच्छा लगा, जो रिलायंस इंडस्ट्री इतने दिनों तक नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्री धीरे धीरे हर कंपनी को ग्रोथ किया और बिजनेस को बढ़ाया, मगर अदानी ग्रुप इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रोथ किया क्यों? उसके कारण है कंपनी हमेशा उसी बिजनेस के ऊपर फोकस रखे हुए है जो बिजनेस डिमांडेबल है और फ्यूचर में डिमांडेबल होगा, और जिस टाइम में होना चाहिए उस टाइम में ही एंटर कर चुके हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखेंगे तो अदानी ग्रीन ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके से बिजनेस हो रहा है, इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कितना 4803 से यहाँ पे देखिए अंडर जो जो टोटल मेगावाट यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं। विंड पावर के ऊपर, हाइड्रो पावर के ऊपर, देखिए कंपनी हाइड्रो पावर के ऊपर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर हाइड्रो पावर में उतना बड़ा यहाँ भी प्रोजेक्ट देखा जाए तो मतलब सोलर प्रोजेक्ट से बहुत कम है, फिर भी तीनों प्रोजेक्ट तीनों ही ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो बूम हुआ है, जो इस कंपनी का बूम हुआ है, जो कंपनी का प्राइस आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, एक टाइम कंपनी कितना करीबन करीबन 60 रुपीज था, जब लॉकडाउन टाइम आया था, जब लॉकडाउन सिचुएशन आया था 125 रुपीज का शेयर था, आज वो भागते 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 3,000 के ऊपर भी चले गए थे। तो इतने बड़ा जंप, 125 से 3,000, मतलब सोचिए कितना बड़ा रिटर्न दे चुके हैं कंपनी ने आपको। तो कंपनी का गुड न्यूज कौन सा है वो चलो मैं सबसे पहले उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गुड न्यूज अनाउंसमेंट कर चुके हैं और आप द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो पिछले दिनों में ही इस न्यूज आया था, आप देख सकते हैं श्रीलंका अभी कौन सा कंट्री में जाने वाला है, श्रीलंका। आप देख सकते हैं मैं पहले बता चुका हूँ श्रीलंका में, श्रीलंका यहाँ पे देखिए ग्रैंड मतलब श्रीलंका गारंटेड दे चुके हैं, अप्रूवल दे चुके हैं, अप्रूवल्स टू अदानी ग्रीन एनर्जी फॉर विंड प्रोजेक्ट, मतलब विंड प्रोजेक्ट के लिए अभी श्रीलंका में जाएगा। क्योंकि देखिए श्रीलंका में जाने से एक अच्छी बात क्या है, श्रीलंका का जो एनवायरनमेंट है वो विंड प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा, विंड प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप सभी जानते हैं श्रीलंका एक छोटा सा मतलब एक आइलैंड के जैसा है, तो मतलब एक आइलैंड ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसके चारों साइड में आप देखेंगे तो पानी ही पानी है, मतलब टोटली टोटली यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट जो है वो उसी जगह पे अच्छा खासा काम करने वाला है। तो इसीलिए देखिए अदानी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो प्रोजेक्ट को कंपनी को इस तरीके से सोचते हैं, तो इसीलिए आज वो वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज में आ चुके, टॉप 5 रैंकिंग में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका हैज गारंटेड अप्रूवल अदानी ग्रीन एनर्जी फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर $500 मिलियन, $500 मिलियन इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है इन टू विंड प्रोजेक्ट इन द कंट्री, मतलब दो जगह पे कंपनी विंड प्रोजेक्ट करने वाले है, और वो भी इसके लिए $500 मिलियन यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले है। मगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा जरूर, यहाँ पे थोड़ा सा आप होल्ड करिए। श्रीलंका पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर जो जो कंचना है, उन्होंने क्या किया यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि चलो मेरे देश में आकर आप अप्रूवल दे चुके हैं, आप इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप ट्वीट भी किया गया है, मतलब श्रीलंका का जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने खुद ट्वीट किया है, यहाँ पे पूरा बात यहाँ पे बातचीत हो चुके हैं, यहाँ पे पूरा पूरा बातचीत जब हो रहा था उसका एक क्लिप भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सीखने वाला बात कौन सा है, देखिए कंपनी जब परफॉर्मेंस अच्छा करता है, कंपनी जब खुद के ऊपर दम रखते हैं, देखिए उसी कंपनी के ऊपर हमेशा इन्वेस्टमेंट करना जो कंपनी फ्यूचर के विजन्स के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस को हमेशा ग्रोथ कराने के लिए सिर्फ खुद के कंट्री नहीं बाहर के कंट्री अलग जगह अलग स्टेट को चूज करके कंपनी काम को बढ़ा रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है, उसी कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी जो पॉइंट्स है क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए मैं दो पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी बहुत रिक्सी कंपनी है। आप कहेंगे सर रिक्सी कंपनी क्यों बता रहा है, क्योंकि 3,60,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, इतना बड़ा कंपनी है। बिल्कुल आपके बात सही है, मगर एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा, कंपनी का इनकम कितना हो रहा है, करीबन 500 करोड़ के आसपास। चलो अच्छी बात है, आप कहेंगे सर अच्छी बात है 500 करोड़ भी तो प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 3,60,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप कंपनी और 500 करोड़ का इनकम, ये बहुत कम नहीं लग रहा है आपको? तीसरी बात, कम क्यों है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। फ्री कैश फ्लो कितना, 11,700 करोड़। चलो मानता हूँ मैं कंपनी का हाथ में जो कैश था वो कैश को कंपनी ने फिर से री इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कोई बात नहीं। मगर इस कंपनी का सबसे जो बिग नेगेटिव पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है कर्जा।
करीबन 52,800 करोड़ का कर्जा है। आपका डेप्थ ऑफ इक्विटी दिख रहा है कितना, 44.4%। आप टोटली इसका कंपेटिटर देखेंगे तो अदानी ट्रांसमिशन इसी का ही कंपनी है जिसके पास 4% डेप्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अदानी ग्रीन का 44% डेप्थ, इतने ज़्यादा डेप्थ होने के कारण कंपनी को देखिए जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। कंपनी 5,000 का इनकम किया और 2,500 का कर्जा ही चला गया, उसके साथ कंपनी के एक्सपेंस भी चला गया, तो हाथ में बचेगा क्या घंटा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो कंपनी का इनकम जितना भी बड़ा हो, कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है, इतने ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इतने ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इसका मार्जिन घट रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल, मेरे पास में क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी था मगर मैं बेच दिया, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जा जब तक कम नहीं होगा तब इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करूंगा। शायद वो कंपनी आपको 10, 15, 20 गुना भी रिटर्न दे दे, कोई बात नहीं, मैं इससे अच्छा है और भी दूसरा कंपनी चूज कर लो, शायद मुझे वहाँ पे टाइम देने ज़्यादा देना पड़े। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते। देखिए FIS DIS ने कितना ना के बराबर माल उठक रखा, क्यों ना के बराबर माल उठक रखा, क्योंकि इसका कारण आप समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए DIS भी नहीं चाहते थे इतना बड़ा कर्जा लेके जो कंपनी चल रहा है, कल जाके कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नहीं, मतलब इनकम मार्जिन नहीं बढ़ा तो वो तो कर्जे में डूब जाएगा और कंपनी लॉसेस में चला जाएगा। तो एक पॉइंट सबको सोचना चाहिए, शायद बहुत सारे लोगों ने चार्ट पैटर्न को देख लिया और कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देख लिया और कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो देख लिया, उसके बाद ही कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया। मैं बिल्कुल कहूंगा इस तरीके से कंपनी थोड़ा बहुत ज़्यादा रिक्सी कंपनी है। तो आप रिक्सी प्लेयर है तो ठीक है, आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो आप अवॉइड करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।